ओम शांति। आज 2 दिसंबर 2023 मुरली। मीठे बच्चे, समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ। ज्ञान रत्नों का वखर भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो। विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। प्रश्न, सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? उत्तर, किसी का भी जीवन बनाना यह बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके बदले में खूब सर्विस करो, नहीं तो वह भूल दिल को खाती रहेगी। बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे ही बहुत प्यारे लगते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, योग में रहकर भोजन बनाना है। योग में ही रहकर भोजन खाना और खिलाना है। दूसरा पॉइंट, बाबा ने जो समझाया है उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर योगयुक्त हो औरों को भी समझाना है। वरदान, स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। जैसे बाप के ऊपर, प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते हो, ऐसे स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों के जिम्मेवारी के ताजधारी बनो, तब विश्व राज्य के ताज अधिकारी बनेंगे। वर्तमान ही भविष्य का आधार है। चेक करो और नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है। यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है तो वहाँ भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। स्लोगन, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। ओम शांति।